अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं बल्कि सुन रहे हैं रॉकेट साइंस। ये है पॉडकास्ट नंबर 2 और ये पॉडकास्ट है बेसिकली जब मेरी मौलाना तारिक जमील साहब से कराची मुलाकात हुई तो मुझे लगा कि इट विल मेक आउट टू बी एन इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट फॉर दैट मैटर, क्योंकि उससे पहले मुझे काफ़ी दफ़ा मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं जुनेद जमशेद साहब के मरहूम के मैनेजर मौलाना साहब के करीबी साथियों में से हैं, तो वो अक्सर मुझे कहा करते थे कि मौलाना साहब आए हुए हैं और आप आइए। ये मुलाकात से तकरीबन कोई साल डेढ़ साल पहले की बात है, तो मैं हमेशा कोई ना कोई बहाना बनाकर इधर उधर गायब हो जाता था, नहीं जाता था, उनका फ़ोन नहीं उठाता था। और वो शायद मेरी कम अकली, मुझे ऐसा लगता था कि मौलाना साहब मुझे कहेंगे भाई तू नमाज पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते, ये नहीं पढ़ते तो पढ़ा करो। तो मुझे एक हमेशा से एक हेजिटेशन अंदर से फील होती थी कि मैं खुद ही इस कंक्लूजन पे पहुंच जाऊं, मुझे कोई कहे ना, क्योंकि वो अक्सर घर वाले कहते थे तो मैं कहता था हाँ कर लूँगा, पढ़ लेंगे, और नहीं, आप अपनी भाग दौड़ में स्ट्रगल में लगे होते हैं तो आपको उसकी इम्पोर्टेंस या उसकी ज़रूरत महसूस नहीं होती उस तरीके से, तो आप अपने आप को निकाल लेते हैं। तो हमारे साथ भी ऐसा ही था। तो मेरा क्योंकि असल में ज़्यादा दीनी लोगों से इंटरेक्शन नहीं लगा, ये जिनसे रहा तो उन्होंने पहली बात ही ये की, तो शायद इस वजह से मेरा एक रुझान नहीं बना उस तरफ। तो वो अक्सर कहा करते थे आगे मिलो और मैं नहीं मिलता था। बट एनीवेज, उस पर जाने से पहले क्यों ना आप वो बयान देख लें थोड़ा सा और फिर उसके बाद बाकी बात करते हैं। आप सबसे गुजारिश है जबान को बच्चों के लिए, बीवी के लिए, खामिंद के लिए, माँ के लिए, बाप के लिए, अपने खादिम के लिए, नौकर के लिए, बड़े के लिए, छोटे के लिए मीठा कर। तो पूरी दुनिया क्या जानवर भी आपसे प्यार करें। अब देखते नहीं हम इस तरह बिल्ली और कुत्तों को बुलाते हैं, वो दुम हिलाता आ जाता है, हम ऐसे करते हो भाग जाता है। जब एक जानवर ये फीलिंग रखता तो ये बच्चे को ये ना समझे कि कुछ नहीं समझ रहा, सब कुछ उसके अंदर ऐसे छप रहा है। तो एक नसीहत ये है सब बहन भाइयों से, बेटियों से, बेटों से, जबान को काबू में रखें। और दूसरी छोटी सी नसीहत ये है कि मेरे नबी ने फरमाया, मेरे बेटे अनस, मेरी एक बहुत ग्रेट सुन्नत, ये ग्रेट का लफ्ज दाढ़ी के लिए नहीं कहा, पगड़ी के लिए नहीं कहा, सीधे हाथ से खाने के लिए नहीं कहा, और बेशुमार सुन्नतें हैं मेरे नबी की, सिर्फ एक बात पर कहा कि मेरे बेटे अनस मेरी एक बहुत बड़ी सुन्नत, अगर तूने उस पर अमल कर लिया, साजे फरमाया कि है मुश्किल, आसान नहीं बता रहा हूँ, मुश्किल बता रहा हूँ, और सारी ज़िंदगी के लिए ये मुश्किल रहेगी। दाढ़ी तो मैंने रखी तो ख़त्म, अब सिर्फ तेल लगाना है, दो तीन हफ्तों के बाद थोड़ा सा ट्रिम कर देना है। आपने फरमाया थकना पड़ेगा, रोज़ाना अपने आप से लड़ना पड़ेगा, और सारी ज़िंदगी ये इसके लिए जंग करनी पड़ेगी, तो इसके बदले में मिलेगा क्या, क्या तू जन्नत में मेरा साथी बन जाए। जन्नत बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन मेरे नबी का साथ जन्नत से भी क्या है, बड़ी चीज़। तो अब इतना बड़ा घर बनाने के लिए तो बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए ना, और 100 गज में घर बनाने के लिए बहुत थोड़ा सा घर चाहिए। तो जन्नत बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन नबी के नेबर होने के लिहाज से बहुत छोटी चीज़ है। तो वहाँ बहुत पैसे देने पड़ेंगे, वो क्या है, हाय हाय, पीने का तलवार लेके जाके शहीद हो जाए। मेरे बेटे मेरी वो सुन्नत ये है कि दुनिया में जितने इंसान रहते हैं सबसे दिल को साफ रखें, किसी से नफरत, किसी से हसद, किसी से बुग़्ज़, किसी के लिए दिल में कीना, क्रोध, ये हमारी मस्तूरात सुबह जब उठती हैं तो पहला काम सफाई होता है। कल भी तो करवाई थी, आज क्यों हो रही है कि कल की सफाई आज काफ़ी नहीं, आज फिर करनी पड़ेगी, कल फिर करने, परसों फिर करनी पड़ेगी, सारी ज़िंदगी झाड़ू चलाना पड़ेगा। तो ये दिल में, चूँकि दुनिया में हमेशा नेगेटिविटी ज़्यादा रहेगी और पॉजिटिविटी थोड़ी रहेगी,
तो नेगेटिव रवैये जिधर से भी आएंगे दिल में नफरत उठे। तो मैं कुर्बान जाऊँ अपने नबी पर जिन्होंने रहमतुल्लिल आलमीन होने का सबूत दिया। ये नहीं फरमाया कि मुसलमानों से दिल साफ रखना, क्या पूरी दुनिया के इंसानों से दिल साफ रखना। तो कैसा लगा आपको बयान? अरे भाई ये भी कौन सा सवाल है, कैसा लगा आपको बयान? मौलाना साहब के तो सारे बयान बहुत अच्छे होते हैं, बल्कि उनके जो एक अंदाज बयान है, वो जिस तरीके से चीज़ों को कहते हैं और जो उनके पास नॉलेज है, बहुत ज़्यादा कम लोगों के पास इतना नॉलेज होता है। और फिर शायद अगर किसी के पास नॉलेज हो भी तो एक अंदाज बयान इतना उसमें इतनी मिठास नहीं होती। तो ये भी अल्लाह की तरफ से एक अता है जो कि उनके पास है। और शायद वो होता है ना कि अक्सर कहा जाता है कि अल्लाह अपने बंदों को, अपने ख़ास बंदों को चुनते हैं, तो लाइक ही मस्ट बी चोज़न दैट वे। और खैर एनीवेज, ये तो आपने बहुत छोटा सा क्लिप देखा बल्कि सुना। तो आप अगर आपको पूरा देखना है तो मौलाना साहब का अपना पेज भी है, दो तीन और अकाउंट्स भी हैं, वहाँ पर पूरी पूरी वीडियोज़ हैं, आप वो देखिए। मुझे ऐसा लगा क्योंकि मेरे पास ये ऑलरेडी वीडियो थी, क्लिप्स थे तकरीबन 11 महीने पहले, और उसी दौरान मैंने एक अपना YouTube चैनल शुरू कर दिया जहाँ पे आप ये वीडियो देख रहे हैं। तो जैसे आपको चीज़ों के लिए कंटेंट की ज़रूरत होती है, तो मैंने बहुत सारे और कंटेंट भी बनाया था जिसमें आई वाज टेस्टिंग फूड, आई वाज गोइंग टू लाइक डिफरेंट प्लेसेस, अभी भी उसमें कुछ पड़ा है जो कि मैंने लगाया नहीं। तो उसमें ये भी था, मेरे पास मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने ये शूट किया था, तो उन्होंने मुझे कहा कि अगर आपको इस्तेमाल करना है तो आप कर लीजिए। तो प्लान ये था कि इसका एक व्लॉग बनाया जाएगा और वो लगाया जाएगा, लेकिन करते करते मुझे वो वक्त गुजरता गया, लेकिन मुझे लगा कि अभी उसका शायद सही वक्त नहीं है, क्योंकि अगर ये खाली वीडियो ही किसी को देखनी है तो वो ऑलरेडी है हर जगह पे, या मौलाना साहब के अपने पेज पे। मैं शायद तैयार नहीं था उस वक्त ये बात करने के लिए। और खैर एनीवेज, 11 महीने पहले की ये मुलाकात है। और जैसे मैंने कहा आपको कि मुझे अक्सर बुलाते थे मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो और मैं नहीं जाता था, और तो वो ये सब कुछ हो रहा था। और उसी के दौरान ऐसा था कि मेरी वालदा मुझे काफ़ी अरसे से कह रही थी कि उन्होंने उम्रे के लिए जाना है, और वो भी बात मैं कर जाता था कि हाँ चले चले जाएंगे जब नसीब में होगा, जब लिखा होगा, जैसे सारी बातें करते हैं सब लोग, तो मैं भी वैसे कह देता था। और ऑन दी अदर हैंड, कभी इटली जा रहा हूँ, कभी इंग्लैंड जा रहा हूँ, कभी आयरलैंड जा रहा हूँ, कभी इधर जा रहा हूँ, कभी उधर जा रहा हूँ, और वहाँ पर जाने की मुझे कोई वो अर्ज उस तरीके से फील नहीं हुई कि मुझे जाना चाहिए। खैर एनीवेज, वो दिन आया, एक दिन बस वैसे ही अम्मी को खुश करने के लिए मैंने कहा चलो चलते हैं। तो हमने फटाफट, उनका पासपोर्ट आ गया, वीज़ा लग गया, हर चीज़ बहुत जल्दी जल्दी हुई, उससे पहले कोई प्लान नहीं था। बट एनीवेज, वो हुआ और पहुंच गए। तो पहला दिन तो आप क्योंकि इतनी भगम भाग में लगे होते हैं कि आपको उस चीज़ का अंदाज़ा नहीं होता। बाहर से तो उम्रे के लिए जा रहा था, अंदर से मैं था या तो अम्मी के लिए जा रहा था या चलो 10 दिन की हॉलीडे उसके लिए जा रहा हूँ। लेकिन खैर, जब वहाँ पे एक दिन गुजरा, उम्रा हो गया, दूसरा दिन जब आप थोड़ा सा और काम हो जाते हो, ज़रा थोड़ा आप सेटल हो जाते हो, तो एक पता नहीं क्या था वहाँ पे या क्या है वहाँ पे, क्या आपको एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेटिस्फैक्शन महसूस होती है। अगर आप गए हों तो आपको पता होगा, मुझे कभी भी इतनी सेटिस्फैक्शन, इतना काम, इतना सुकून, इतना पीस मुझे महसूस नहीं हुआ। हमेशा से एक होता है ना, इंसान की जद्दोजहद होती है कि मैं ज़्यादा ज़्यादा हासिल करूं, और कैसे होगा ये काम, कैसे होगा, मैं बहुत कोशिश करूं एंड ऑल दैट काइंड ऑफ स्टफ। और उसमें एक अजीब किस्म का सुकून आपको महसूस हो कि सब चीज़ें हो सकती हैं, यू आर ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, और इतना सेटिस्फैक्शन वहाँ पर मुझे महसूस हुआ। और बस एक कोशिश रहती थी कि वापस जाके हरम शरीफ के सामने, काबा शरीफ के सामने बैठ जाएं और बस देखते रहें, लोगों को देखते रहें, उनको देखते रहें, और एक महसूस करते रहें सारी वाइब को, एनर्जी को। खैर 5 दिन वहाँ गुजरे, 4 दिन मदीना शरीफ गुजरे, और
एट दी एंड मुझे जो पहले मैंने मुझे था कि मैं खाली दस दस दिनों के लिए जाऊँ, मुझे आखिर में अपने आप को ही कोस रहा था कि 10 दिनों के लिए क्यों गया, उससे ज़्यादा के लिए जाना चाहिए था मुझे। तो वो होके वापस आ गए और फिर कुछ कुछ महीनों बाद जाके उन्हीं दोस्त ने कहा कि मौलाना साहब आए हुए कराची, इस किस्म की गैदरिंग है, और फिर ये जो वीडियो अभी आपने या ये ऑडियो सुनी, ये मुलाकात उसके बाद हुई। तो जब उन्होंने कहा कि आप आए, तो अब शायद मुझे लगता था कि मैं उसके लिए तैयार हूँ, शायद मुझे को वो डर खौफ उस तरीके का महसूस नहीं हो रहा था। तो मैं गया, मौलाना साहब से मुलाकात भी हुई, और मैंने उनको कहा भी कि मैं बहुत हेजिटेट कर रहा था, डर रहा था। तो उन हंस दिए, कहते कि क्यों भाई, क्या हो गया। और पर एनी वेज, इट वॉज अ ग्रेट मीटिंग। और उनके साथ मुझे लगा कि जैसे अल्लाह वाले लोग जो हैं, उनका एक कनेक्शन होता है और एक वाइब और एक एनर्जी, और जितने खूबसूरत तरीके से वो बयान करते हैं, जितने प्यारे तरीके से वो आपसे इंटरेक्ट करते हैं, वो अपने आप में ही बहुत खूबसूरत है। अगर आप उन अगर आपकी मुलाकात हुई हो डायरेक्ट, तो आपने भी महसूस किया होगा, और अगर नहीं हुई तो आप ज़रूर मिलिएगा, आपको भी महसूस होगा। अक्सर हम लोग वीडियोस देखते हैं, सुनते हैं, लेकिन जब तक आप खुद बात चीज़ें एक्सपीरियंस नहीं करते, तो उस टाइम तक आपको नहीं पता चलता। और मुझे एक, बल्कि मुझे याद आया एक कोट है रूमी का, कि द वूंड इज वेयर द लाइट एंटर्स योर बॉडी, कुछ इस तरीके का है। तो मैं अक्सर इसकी तलाश में रहता, इसको ट्रांसलेट आप करते हो और उर्दू में ट्रांसलेट कर लिए, अंग्रेजी सिंपल अंग्रेजी में या बाकी कॉन्टेक्स्ट में उसको ले गए, लेकिन कभी भी उस चीज़ की उस तरीके से समझ में नहीं आती थी बात। तो फिर जब ये सब कुछ हुआ, और उसके बाद जब आप इंट्रोस्पेक्ट करते हो, आप चीज़ों को सांचे में ढालने की कोशिश करते हो, तो शायद मैं वही जो मेरी एक ब्रोकननेस थी अंदर, जिसको मैं रिजिस्ट कर रहा था कि मुझे मुझे वो चीज़ नहीं करनी है, वो एक एक वो एक अंदर ही मेरे एक इंतशार चल रहा था, वही वो चीज़ बनी जिसके थ्रू पे वो एक लाइट मेरे अंदर एंटर होना शुरू हुई, जहाँ पे अब मुझे इस्लाम की बात सुनने का बहुत मज़ा आता है, इस्लाम की हिस्ट्री जानने का बहुत मज़ा आता है, चीज़ों को एक सिंपलर लेवल से हटाकर शायद एक बड़े लेवल पे देखने का मज़ा आता है। तो शायद यही एक जर्नी था मेरे लिए, अपने लिए बहुत ज़रूरी था। और ये पॉडकास्ट या ये वीडियोस बनाने का मकसद ये कि इनके ज़रिए मुझे अपने आप को जानने का मौका मिलता है, क्योंकि जब आप वीडियो बनाते हैं, तो उससे या कोई भी टॉपिक पे बात करने से पहले आप उन सारी चीज़ों को दोबारा से याद करते हैं, और या आप चीज़ों को एक सांचे एक पैराहे में डालने की कोशिश करते हैं। तो मेरे लिए ये एक मौका है कि जहाँ पे मैं अपने आप को जान सकूँ और आप लोगों से बात कर सकूँ, और आप लोग अपना फीडबैक, अपना कमेंट्स और अपने आइडियाज़ या अपनी सोच शेयर करते रहें, कि ताकि वो एक गाड़ी इल्म की और अंडरस्टैंडिंग की जो गाड़ी है वो चलती रहे। तो ये था आज का पॉडकास्ट, और अगर आपको पूरा मौलाना साहब का बयान देखना है, तो मौलाना साहब का अपना यूट्यूब का चैनल है, वहाँ पर देखिए। और बहुत एक मेरे दोस्त हैं माहिर कमाल, उनका उनके चैनल पे पूरा का पूरा वीडियो है, तो आप वो देखिए। और अगर आप उम्रे पे नहीं गए, तो आप ज़रूर जाइए। अपार्ट फ्रॉम उम्रा हज नेकी बदी की से हटकर, इट्स सॉर्ट ऑफ अ रीहैब रिहेबिलिटेशन सेंटर है फॉर योर ओन सोल, फॉर योर ओन सेल्फ। जैसे फॉर एग्जांपल ड्रग्स के रीहैब होते हैं, इसी तरीके से आपकी अपनी सोल का अंदर का एक रिहेबिलिटेशन सेंटर है, क्योंकि इतने लोग होते हैं, इतनी एनर्जीज होती हैं, और वो आपको ज़रूर मज़ा आएगा अगर आप जाएंगे। और मेरा पहले बताने का मकसद यही था कि मेरा रुझान बिल्कुल ही नहीं था, बट इट कैन चेंज माई लाइफ दैट वे, और अल्लाह करे इसी तरीके से बेहतरी होती रहे।
और चीज़ों को समझते रहे। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग। अगर आपकी कोई फीडबैक है तो आप ज़रूर शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो कीजिए, बेल का घंटी बजाइए, और इंशाल्लाह ताला सी यू।